आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शिक्षक नियमावली पर जमकर बरसे हैं बिहार में विपक्ष के जो नेता हैं विजय सिन्हा। उन्होंने कहा कि सीटेट और बीटेट परीक्षा पास करने से कोई फायदा नहीं है, अस्थाई बहाली की बात कर रहे हैं। पहले भी कहा था, 9 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक कुछ नहीं कहा है। क्या कुछ इसके ऊपर कह रहे हैं, पहले थोड़ा सा उसको सुनवा दें। चोला ओढ़ कर जो भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा रहे हैं और जातीय उन्माद पैदा करने का खेल खेल रहे हैं, इनका चेहरा उघाड़ होगा और पूरा देश इन लोगों को देखेगा जो कांग्रेस के विरुद्ध लड़ करके आए थे, आज उसी के गोद में बैठकर एक नए वातावरण बनाने के खेल खेल रहे हैं और एक ईमानदार राष्ट्र के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने वाले प्रधानमंत्री के विरुद्ध लड़ने के लिए कितनों गलबहियां कर लें लेकिन सफल नहीं होंगे। पूरा देश और पूरी ताकत से 2/3 से ज्यादा बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को देगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अच्छा प्लानिंग किया था बीजेपी ने, लेकिन क्या हुआ ना सासाराम। अधिकार है इन लोगों को, सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कुर्सी पर बैठ कर आपने सीधे अपने विरोधी पर आरोप लगाने के पहले आपके पास सबूत और प्रमाण है तो न्यायिक जांच करा कर करके और आप ओपन करें। अरे भ्रष्टाचारी और अपराधी को संरक्षित करने वाला जिसके कैबिनेट में एक मर्डरर जिस पर आरोप लगा है कि मर्डर करवाया है, वो मंत्री अपने पदाधिकारियों से क्या ईमानदारी से न्यायिक जांच से क्यों भाग रहा है? इनके पदाधिकारी दबाव में, मैंने गया था बिहार शरीफ में, वहां का DM SP का लाचारी हमने देखा है, उसकी व्यवस्था को देखा है। यहां से जो इंगित किया जाता है कि फलाने के नाम डालो, फलाने को फंसाओ और उन्हीं लोगों का नाम चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी RSS बजरंग दल के नाम डाल रहे हैं, क्या रामनवमी के शोभा यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी RSS और बजरंग दल पत्थर बरसाया था? तुष्टिकरण की राजनीति करके आतंकवादियों का पनाहगार बनाने वाले जो दुष्कर्मी बैठे हैं, जिसके संरक्षण में ये सरकार अनुदान देकर के फर्जीवाड़ा का मदरसा चलाते हैं, वो RSS भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल का नाम ले लेने से बिहार की जनता स्वीकारेगी? है हिम्मत, खुला चुनौती है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को, तो आप सिटिंग जज से दोनों जगह कमेटी गठित करके जांच करवा लीजिए और तब देखिए कि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट होगा। आपके कहने से, आपके आरोप लगाने से, आप तो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष को ही शराब का मामले में फंसा रहे थे और जब हमने फोटो दिखा दिया कि जो लोग पकड़ाया है इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दुलरुआ है तो वो मामला को दाब दिया। आज इनके जदयू के एक बड़े पद पर बैठे भतीजे शराब के तस्करी करते हैं, शराब बनाने वाले इनके उम्मीदवार बनते हैं। नियत में खोट तो नीति सफल कैसे होगी? आप न्यायिक जांच कराइए, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, और सिटिंग जज से दोनों जगह जांच कराइए, तभी लोग स्वीकार करेगा। आज तो आप पत्रकारों को भी धमका रहे हैं, आप कार्रवाई के नाम पर क्या खेल खेल रहे हैं? बिहार शरीफ में भी कुछ पत्रकारों को, सासाराम में भी सोशल मीडिया चलाने वाले को जिसका वीडियो वायरल होगा उस पर FIR करके अंदर ठूंस देंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बंद करिए ये खेल, आपके खेल से नहीं डरेगा। और जेल भरने के लिए BJP पूरी तरह से तैयार है, इस भ्रष्टाचारी और अपराधियों के विरुद्ध खुल करके आंदोलन करेंगे। जंगल राज में भी बहुत आपने पकड़ पकड़ के अंदर किया था, जंगल राज के पुरोधा गुंडा राज बनाने में जो लगे हैं तो हम लोग भी तैयार बैठे हैं। और विजय सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आपकी नीति और नियत साफ नहीं है, महागठबंधन सिर्फ ठगने के लिए नियम लाई है, CM के दिल्ली जाने पर भी कुछ बोले हैं विजय सिन्हा, वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, इनको बिहार की बर्बादी का संकल्प को पूरा कर चुके हैं, अब ये बिहार की बर्बादी और तबाही से लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं।
क्या विजन लेके जा रहे हैं कि बिहार में जिस महामारी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन रोकने का प्रयास किया और फिर से वो बीमारी महामारी में आप बदल रहे हैं। न अपराध रुक रहा है, न भ्रष्टाचार रुक रहा है। एक एक व्यक्ति पांच पांच विभाग को लेकर के, बड़े बड़े विभाग को लेकर शासन चला रहा है और वो शासन के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है। यही संदेश पूरे देश के लिए लेकर जा रहे हैं। अरे आपको तो किसी से मिलने के पहले बिहार को तो बचा लीजिए। क्यों बिहार की बर्बादी की कहानी लोगों को सुनाने जा रहे हैं? पूरा देश जान रहा है बिहार की बर्बादी के बारे में। और आपका जब उप मुख्यमंत्री, जो आपका सहयोगी दल है आरजेडी, सदन में घोषणा किया है कि नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर किसके बलबूते उछल करके जा रहे हैं? अपने बलबूते कभी सरकार बिहार में न बना सके और चले हैं पूरे देश का नेतृत्व करने, जिनसे अपना जिला बिहार शरीफ में दंगा हो गया, बिहार शरीफ के लोग तराई इमाम में है, झूठे केस में लोग को फंसा रहा है, उसकी आंसू पोंछने की फुर्सत नहीं है। और दिल्ली चल करके दंगाइयों के हौसला को बुलंद करने के लिए जा रहे हैं, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं। जाइए, मुबारक हो सभी अपराधी और भ्रष्टाचारी की जमात को एक जगह एकजुट कर लीजिए, ताकि उनकी गिरफ्तारी में आसानी होगी। आने वाले सरकार ईमानदारी के साथ जेपी और लोहिया जी के, जो समाजवादियों के बड़े लीडर थे, जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, ये सब आप ही पर लागू होगा। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादियों का चोला पहन लेने से कोई समाजवादी नहीं होता, समाजवादी बनना है तो आपको उन तबकों तक पहुंचना होगा जिनको जरूरत है सरकार की सुविधाओं का, लेकिन आप पटना के एसी कमरों में बैठकर उन लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। सासाराम और नवादा की घटना पर भी जमकर घेरा है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार जवाब नहीं दी। सदन समाप्त होने के बाद ये महाठगबंधनों की जमात लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके निकाले हैं। ये कतई उचित नहीं है, बिहार के हित में नहीं है और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। और जब सासाराम और नवादा की बात आई तो उन्होंने कहा कि फर्जी मदरसों को अनुदान देकर आप अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, जल्द से जल्द अनुदान देना बंद कीजिए। अब विजय सिन्हा के इस बयान के बाद जदयू और राजद से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए संवाददाता बिहार।